Assalamu alaikum dear students welcome to our talk about teachers personal learning theories teachers personal learning theories actually talk about how teachers perceive learning and how they perceive the students learn सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लर्निंग थीरीज लर्निंग थीरीज आर फ्रेमवर्क आर मॉडल्स डे अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ लर्निंग अकर्स एंड हाउ नॉलेज इज अक्वायर्ड यानी ये एक फ्रेमवर्क और मॉडल है जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि लर्निंग होती कैसे है और इलम कैसे हासिल किया जाता है लर्निंग थ्योरीज आर डिवेलप्ड बेस्ड ऑन एंपेरिकल रिसर्च सैकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड एजुकेशनल फिलोसफी ये तीन बड़े सोर्स होते हैं लर्निंग थ्योरीज को डिवेलप करने के लिए एंपेरिकल रिसर्च है सैकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है और एजुकेशन फिलोसफी है किसी नेशन की या ह्यूमैनिटी की तो इन तीनों पर बेस करती हैं लर्निंग थ्यूरीज वाइल देर आर काउंटलेस वेरिएशन हियर आर सम कॉमन पर्सनल लर्निंग थ्योरीज दैट टीचर्स मे अडॉप्ट तो बहुत सारी वेरिएशन है लेकिन कुछ कॉमन पर्सनल लर्निंग थ्योरीज पर आने वाली स्लाइड्स में हम बात करते हैं थ्योरीज देखें जी बिहेवियरलिज्म है कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कॉग्निटिव थ्योरी ह्यूमैनिज्म, कनेक्टिविज्म, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इकोलॉजिकल सिस्टम थेरी एंड क्रिटिकल पेडोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियरिज्म टीचर्स बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म बहुत सारे टीचर्स में से कुछ बिहेवियरिज्म पर बिलीव करते हैं अब बिहेवियरिज्म है क्या बिहेवियरिज्म फोकसेज़ ऑन अब्जर्वेबल बिहेवियर एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप डेट शेप बिहेवियर जो बिहेवियरिस्ट है वो अब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करते हैं उनका ख्याल ये होता है कि ऐसे स्टिमुलस दिए जाएं जिसके रिस्पॉन्स से तुलबा का डिजायर्ड बिहेवियर शेप हो पॉइंट थ्री इज अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरी लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ री पनिशमेंट एंड कंडीशनिंग बिहेवियरिस्ट के नजदीक लर्निंग होती है अच्छे काम इनाम देने से पसंदीदा काम पर सजा देने से और अच्छे काम को इनाम के साथ जोड़ने से और बुरे काम को सजा के साथ जोड़ने से पॉइंट फोर दे मे फोकस ऑन रेपिटेशन ड्रिल्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एज इफेक्टिव टीचिंग मैथड ये रट्टा लगाने को प्रैक्टिस करने को और लेक्चर मैथड को इफेक्टिव टीचिंग मैथड कह सकते हैं की फिगर एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म इंक्लूड आईवन पेफल आपने इनके तजर्बे की बात की हुई है जॉन बी वाटसन है बी एफ स्किनर है ये बड़े बड़े नाम हैं जो बिहेवियरिज्म को प्रमोट करते हैं करते थे और इनको बिहेवरिस्ट कहते हैं सेकंड इज कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिव टीचर्स बिलीव डैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस। तो कंस्ट्रक्टिव टीचर जो है उनका यकीन होता है कि तालब इलम अपना इलम खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपने तजर्बे और फिक्र की बना पर सब पॉइंट टू कंस्ट्रक्टिविज्म पोजिट्स डेट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द इनवायरमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बात पर यकीन करता है इसको इसको पास्टुलेट करता है यह एक मफरूजा बनाता है कि लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है मानी को कंस्ट्रक्ट करने का जो कि तालब इलम अपनी एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के जरिए कंस्ट्रक्ट करता है सब पॉइंट थ्री लर्नर्स बिल्ड नॉलेज बाय इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन विद देर एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क आर स्कीम सो तालब इम को जो नई इंफॉर्मेशन मिलती है वो पहले से मौजूद तरतीब शुदा इलम जो उसके माइंड में होता है उसके साथ उसको सेट कर लेता है और अगर कोई इलम उसके साथ रिकंसाइल नहीं होता सेट नहीं होता उसे लर्न करने में उसे मुश्किल पेश आती है सब पॉइंट फोर टीचर्स facilitate लर्निंग by प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ सो टीचर्स क्या करता है वो कग्निटिविज़म में लर्निंग को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है उनको एक्सपीरियंस देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ अपनी मौजूदगी में उनसे काम कराता है ताकि उसके जहन में स्कीमास बने म जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सब पॉइंट फाइव इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू कंस्ट्रक्टिविज थेरी इंक्लूड लेव वर्ड जीन प्याजे एंड सेम और पॉपर्ट तो ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कग्नेटिविज्म में काम किया है थर्ड वन इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म चूंकि काफी रिलेटेड है हमारी सिचुएशन से इस पर हमने थोड़ी तफसील से बात की है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थेरी डेट बिल्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फिसाइजिंग द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स डेट डेट इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है तो कंस्ट्रक्टिविज्म ही लेकिन इसमें जो सोशल इन्फ्लुएंस है और जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको अहमियत दी गई है कि नॉलेज इनकी वजह से कंस्ट्रक्ट होता है होता तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट है लेकिन होता किस वजह से है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से तभी तो सोशल और कल्चरल फैक्टर जो हैं अफराद को बनाने में बड़ा की रोल प्ले करते हैं वाइल ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टिविज्म फोकसेज ऑन इंडिविजुअल लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टिविज्म है हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बिलीव बिलीव करते हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो तो इंडिविजुअल के लर्निंग पर फोकस करते हैं वो कैसे वो दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हाईलाइट करता है कोलैबोरेटिव एंड इंटरेक्टिव नेचर ऑफ लर्निंग विद इन सोशल कंटेक्स्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में सोशल कंटेक्स्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती है उनके नजदीक लर्निंग होती ही सोशल कंटेक्स्ट के अंदर है तभी तो डिफरेंट कंटेक्स्ट के सीखे हुए लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं क्री प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इंक्लूड यानी की प्रिंसिपल इसके क्या है एक दफा फिर देखें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म ही है लेकिन ये सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है तो की इसके जो प्रिंसिपल है नंबर ए सोशल इंटरेक्शन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पॉजिट्स डेट लर्निंग इज इनहेरेंटली सोशल एंड अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स यानी सोशल uh, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि लर्निंग तो है ही सोशल तो दूसरों से इंटरेक्शन से ही हम लर्न करते हैं इंडिविजुअल्स एंगेज इन कोलेबरेटिव एक्टिविटीज डिस्कशंस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड नॉलेज टूगैदर तो अफराद आपस में डिफरेंट तरीके से एक्टिविटीज में कोलेबरेट करते हैं डिस्कशंस करते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तभी तो मानी और इलम जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है इकट्ठा होता है डेवलपमेंट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर ही है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रॉज लीव वेट गोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है और इस पर यकीन आपने पढ़ा होगा सुना होगा अभी हम बात करते हैं ये है क्या विच रिफर्स टू द रेंज ऑफ टॉस्क एंड द सपोर्ट ऑफ अदर्स यानी ये उन टास्क की बात करता है जो लर्नर अकेला तो नहीं कर सकता लेकिन दूसरे की सपोर्ट से कर सकता है इसमें जो असल मजे की बात यह है कि जो वो काम दूसरे की सपोर्ट से कर सकता है कुछ देर बाद वो अकेला करने के भी काबल हो जाता है सोशल इंटरेक्शंस विद इन ज़ोन ऑफ प्रेक्सिमल लर्नर्स टू अकम्पलिश टॉस्क दैट कुड नॉट बी दैट दे कुड नॉट डू अलर्न दोबारा से देखें सोशल इंटरेक्शंस विद इन दी जोन ऑफ प्रेक्सिमल डेवलपमेंट अनेबल लर्नर्स टू अकंपलिश टॉस्क तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो जोन ऑफ प्रेक्सिमल डेवलपमेंट में लर्नर्स को वो टास्क कंप्लिश करने के काबल बनाता है दे कुड नॉट डू लोन जो वो अकेले नहीं कर सकते फोस्टिंग कग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग जिससे उनकी कग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है और लर्निंग भी होती है सी पॉइंट इज स्केफ फोल्डिंग इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म स्केफ होल्डिंग रेफर्स टू सपोर्ट प्रोवाइडेड बाई मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल सच एज टीचर्स पियर्स और मेंटोर्स टू असिस्ट लर्नर्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स स्केफ होल्डिंग जैसा कि नाम से जहार है जैसे एक आरजी सहारा को कहते हैं जैसे हम किसी चीज़ पर लेंटर डालना हो तो नीचे हम स्केप फोल्डिंग यानी आरजी एक सहारा बनाते हैं लकड़ी का या लोहे की चादरों का और उसके ऊपर हम लेंटर डाल देते हैं जब लेंटर खुश्क हो जाता है तो अब हम नीचे सहारा हटा लेते हैं तो इसी तरह लर्निंग में भी स्केप फोल्डिंग यही है कि एक जो जो टीचर है या पियर है मैंटोर है वो तालब की मदद करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में जिसके बाद क्या होता है वो तालब इलम अकेले ही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाता है नेक्स्ट को देखते हैं स्केप होल्डिंग इनवॉल्व ऑफरिंग गाइडेंस फीडबैक एंड असिस्टेंस टेलर टू द लर्नर्स नीड्स ग्रेजुअली फेडिंग एज दी लर्नर मास्टरी यानी स्केप होल्डिंग हम तालब इलम को फ्राहम करते हैं फीडबैक की सूरत में गाइडेंस की सूरत में असिस्टेंस की सूरत में जो उसकी जरूरत के मुताबिक होती है लेकिन ग्रेजुअली जब वो काबिल होता जाता है तो हम वो सहारा वो स्कैप फोल्डिंग हटा लेते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे लंटर के बाद हम नीचे से लकड़ी की जो सहारा होता है वो हटा लेते हैं तो इस तरह स्कैप फोल्डिंग से तालब जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाता है जो वो पहले नहीं सीखा होता इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसे काम भी हैं जो तालब इलम सारे के साथ भी नहीं कर सकता तो वो जोन प्रोक्सीमल डेवलपमेंट में फॉल नहीं करते सिर्फ वो करते हैं जो तालब इलम गाइडेंस से हल कर सकता है पॉइंट डी की तरफ आते हैं कोलेबोरेटिव लर्निंग है कोलेबोरेशन इज सेंट्रल टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लर्नर्स वर्क टूगेदर टू नगोशिएट मीनिंग कोलेबोरेशन तो जॉन है कंस्ट्रक्टिविज्म की क्योंकि तालब इलम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो मीनिंग को नगोशिएट करते हैं यार इसका क्या मतलब है दूसरा बताता है तीसरा बताता है तब वो सब की सुनकर एक मीनिंग निकाल लेते हैं शेयर परस्पेक्टिव जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को वो कहता है मेरी नजर में ये है दूसरा कहता है मेरी नजर में तो ये है तो वो एक दूसरे के साथ अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं एंड को कंस्ट्रक्ट नॉलेज मिल कर इलम अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज सच एज ग्रुप प्रोजेक्ट्स पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रमोट एक्टिव एंगेजमेंट एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज जो हैं जैसे कि ग्रुप के किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं पीयर ट्यूटरिंग यानी उनका क्लास फेलो उनको पढ़ा रहा होता है यानी एक जैसे प्रोफेसर ही प्रोफेसर को पढ़ा रहा हो तो इसको पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मिलजुल को हल करते हैं प्रमोट एक्टिविंग लर्निंग से तालब इलम मिलकर इलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और इससे उनकी अंगेजमेंट एक्टिव होती है और अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है e कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फिस द इंफ्लुएंस ऑफ कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिस ऑन लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन जब सोसाइटी के अंदर इलम ने कंस्ट्रक्ट होना है तो फिर कल्चर की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड प्रैक्टिस हैं उस पर असर अंदाज होंगी बल्कि इन्हीं का वह पर तो होता है कल्चरल कॉन्टेक्ट्स शेप लर्नर्स परसपेक्टिव्स बिलीफ्स एंड इंटरप्रिटेशन इन्फ्लुएंसिंग हाउ दे मेक सेंस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरएक्ट विद अदर्स नहीं जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम कल्चर के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छा है जी अच्छा नहीं है जी हमें तो अच्छा रेलिवेंट ही नहीं है इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकेंगे हमारी जिंदगियाँ खत्म हो जाएंगी जो तमाम तरह के एंगल्स कल्चर हमें फराहम करता है तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ही हमारे जो पर्सपेक्टिव को शेप करते हैं बिलीव्स को शेप करते हैं डेपटेशन को से शेप करते हैं और जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं किस तरह हम जो मालूम मिलती है उसको उसके उसको मानी पहनाते हैं और किस तरह हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही इलम कंस्ट्रक्ट होता है और कल्चर उसमें बड़ी गहराई के साथ इलम में मौजूद होता है यानी इलम कल्चर फ्री नहीं है इवन साइंस भी कल्चर फ्री नहीं है पॉइंट एफ इज अथेंटिक लर्निंग एनवायरमेंट सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एडवोकेट्स फॉर अथेंटिक लर्निंग एनवायरमेंट डेट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजेस अथेंटिक से मराद यह है कि रियल वर्ल्ड में जैसे तालब इम को जिस जॉब के लिए तैयार करने उसी जॉब पर ही उसको पढ़ाया जाए उसी जॉब पर ही उसका ममथान लिया जाए उसी जॉब पर ही उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए इसको ऑथेंटिक लर्निंग कहते हैं इसी तरह जहा पर ही उसकी सेसमेंट की जाए तो उसको ऑथेंटिक सेसमेंट भी कहते हैं एफ पॉइंट है सोशल नगोसिएशन ऑफ मीनिंग्स मानी को सोशली नगोशिएट करना लर्निंग इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन्वॉल्व द नगोसिएशन ऑफ मीनिंग थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स दूसरों से मिल जुल कर दूसरों के साथ बातचीत करके हम जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफाज को मानी पहनाते हैं मसलन हम कहते हैं जी के टीचर क्या होता है मदरसे वाले से बात करेंगे हम स्कूल वाले से बात करेंगे कॉलेज वाले से बात करेंगे जो जो है वो जो काम सीखते हैं जाके जो शगीर्द उस्ताद का कॉन्सेप्ट है वहाँ से पूछेंगे दबीतम में पता चलेगा कि सारे कंटेक्स्ट के अंदर टीचर के माने क्या हैं लर्नर्स एंगेज इन डिस्कशन, डिबेट्स कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज टू क्लेरिफाई कॉन्सेप्ट। लर्नर्स क्या करते हैं डिस्कस करते हैं डिबेट्स करते हैं और मिलजुल के प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटीज करते हैं ताकि उनके क्या हो कांसेप्ट क्लेरिफाई हो चैलेंज उनकी अजंपशंस चैलेंज हो और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स को वो इकट्ठा कर सकें जैसे वो कहते हैं ना कि मुख्तलिफ अगर आप देखें तो साइंस और मजहब को लोग इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि खुदा की दुनिया है उसके कवानीन पर चलती है जैसे हम कहते हैं कि न्यूटन का दूसरा कानून तो न्यूटन ने बनाया था वो घर से लाया था ये तो मेरे अल्लाह का कानून है उसने सिर्फ दरियाफ्त किया था तो इस तरह दोनों चीजें रिकनसाइल हो जाती हैं लीडिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग जिससे एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो कि बहुत जरूरी है पीसफुल सोसाइटी के लिए हमें भी पीस की जरूरत है हमें भी इन जो सोशल नगोशिएशन ऑफ मीनिंग्स पर तवज्जो की जरूरत है फोर्थ वन इज कॉग्निटिव थ्योरी है टीचर्स हु चिप इन टू कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकस ऑन मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग तो कग्नेटिव थ्योरी में जो टीचर बिलीव करते हैं वो इस बात पर तो जो करते हैं कि जहन में क्या होते हैं तो लर्निंग होती है यानी लर्निंग से पहले जहन किस तरह से प्रोसेस कर रहा था और लर्निंग के बाद किस तरह से प्रोसेस कर रहा है और लर्निंग के दौरान क्या प्रोसेस कर रहा होता है तो इस तरह की थॉट्स को हम कग्नेटिव थ्योरी कहते हैं सब पॉइंट कग्निटिविज्म प्रोसेस मेमोरी अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन लर्निंग तो कग्निटिविज्म जो है वो कग्निटिव प्रोसेसेस के रोल को एम्फेसिस करता है जिसमें मेमोरी है अटेंशन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है नंबर थ्री कग्निटिविस्ट थेरी

और जो मेटाकोग्नीटिव इंस्ट्रक्शन है यानी उनको तालब इलमों को उनकी मेटाकोगनीशन के बारे में और इंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि उनकी कग्निटिव स्किल्स को बेटर कर सकें और जो स्ट्रेटजीज टीचर यूज़ करते हैं और स्टूडेंट यूज़ करते हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके ताकि तलब इमों की लर्निंग बेटर हो सोसाइटी में उनका जो पॉजिटिव शेयर है वो बेटर हो नोटेबल थीरिस्ट इन दी एरिया इंक्लूड जीन प्याजे ने इस पर काम किया कग्नेटिव थ्यूरी पर तो लेव बाई गोड्सकी ने काम किया जिरोम बरूनर का काम है इस पर फिफ्थ वन इज ह्यूमनिज्म ह्यूमनिस्टिक थीचर्स प्रायरिटाइज द होलिस्टिक डेवेलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वैल्यूंगर इमोशनल वेलबींग सेल्फ स्टीम पर्सनल ग्रोथ अलॉग विद एकेडमिक अचीवमेंट सो जो ह्यूमनिस्टिक्स हैं टीचर्स हैं वो तालब इलम की ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करते हैं उनकी इमोशनल लाइफ भी बड़ी अहम होती है उनके लिए सेल्फ स्टीम भी अहम होती है और पर्सनल ग्रोथ भी अहम होती है एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ सब पॉइंट टू इस टीचर्स क्रिएट सपोर्टिव स्टूडेंट सेंटर्ड

पर्सन ग्रो करे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि उसकी सबसे बड़ी नीड है उसकी तरफ वो सफर करे सब पॉइंट फोर दीज थेरीज एम्फिस दी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसिस एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग टू दी एजुकेशनल प्रोसेस ये जो थीरीज हैं जो ह्यूमनिज्म पर बेस करती हैं ये इंपॉर्टेंस देती हैं इंसानी तजर्बात को उनके इमोशंस को और उनकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्टूडेंट की सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो जो कि एजुकेशनल प्रोसेस में यूज हो सिक्स इज कुनेक्टिविज्म कनेक्शन मीडिया इन दिस डिजिटल एज सम टीचर्स एम्ब्रेस कनेक्टिविज्म विच एम्फिस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजी इन लर्निंग नेटवर्क को टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल हम लर्निंग का सोच भी नहीं सकते वरना हम मन की दुनिया सजाए रख सकते हैं लर्निंग नहीं होती पॉइंट टू एज कनेक्टिविज्म इज ए लर्निंग थियरी डैट इमर्जेंट रिस्पॉन्ड टू डिजिटल एज एंड द इंक्रीजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग तो डिजिटल एज की वजह से और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए रोल की वजह से कनेक्टिविज्म की थीरी जो है वो जहूर पजीर हुई है सब पॉइंट कनेक्टिविज्म पॉस्टुलेट डेट लर्निंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नेटवर्क्स ऑफ पीपल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कनेक्टिविज्म वाले बिलीव करते हैं कि लर्निंग तो फैली पड़ी है नेटवर्क से नेटवर्क ऑफ पीपल लोगों से नेटवर्क करें लर्निंग मिलेगी रिसोर्सेज मिलेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए आप लर्निंग कर सकते हैं यानी नेटवर्क करें रिसोर्सेज आपके पास हो टेक्नोलॉजी हो तो आपकी लर्निंग होगी फॉर इट अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी लर्नर्स रिक्वायर नॉलेज बाई कोनेक्टिंग विद इंफॉर्मेशन सोर्सेज लीवरेजिंग देयर नेटवर्क रिलेशनशिप तो इसमें थियोरी से एज पर दिस थियोरी लर्नर्स इलम हासिल करते हैं इंफॉर्मेशन के सोर्सेज से कोनेक्ट होने पर और और जो अपने जो रिलेशनशिप की नेटवर्क से फायदा लेने से तो इट इज ऑल अबाउट कनेक्शन वेद इज इट इज टू दीपल आर दोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सब पॉइंट फाइव इज टीचर्स फेसिलिटेट कनेक्शंस विद डायवर्स रिसोर्सेज इनकरेज ऑनलाइन कोलेबोरेशन एंड हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स फॉर नेविगेटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम डिजिटल इंफॉर्मेशन तो टीचर उन्हें फेसिलिटेट करता है उनके कनेक्शन बनाता है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के रिसोर्स के साथ ऑनलाइन कोलेबरेशन के साथ ताकि तालब इलम की मदद करें ताकि वो नेविगेशन की स्किल्स लें मुख्तलि जगह से इलम को ढूंढ सकें और डिजिटल इंफॉर्मेशन से लर्न कर सकें यह था कुनेक्टिविज्म छठी फिलासफी अब हम जाते हैं सातवीं फिलॉसफी की तरफ जो कि है एक्सपीरियंशल लर्निंग टीचर्स हु इड टू एक्सपीरियंशल लर्निंग थे बिलीव डेट स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट थ्रो डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंसियल लर्निंग वाले बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट तब सीखता है जब उसे डायरेक्ट तजुर्बा हासिल हो और उस पर वो सोचे एक्सपीरियंस इन लर्निंग रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एब्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ये बहुत अच्छा एक एल्गोरिदम है आप देखें इसको तो ये एक साइकिल है जिसमें पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस है यानी वो कोई एविडेंस कलेक्ट करता है फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है उसको पता चल जाता है कि ये देखें ऑब्जर्वेशन पे सोचता है फिर उसके उसकी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलेशन कोई रूल बनाता है माइंड के अंदर कोई रूल बनाता है कोई पास्टुलेट बनाता है कोई मफरूजा बनाता है और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन फुर पे एक्सपेरिमेंटेशन करता है और उसके नतीजे के बाद फिर कंक्रीट एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एब्सट्रैक्ट सेप्चुअलाइजेशन और बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जैसे आप स्प्रिंग देखें तो शुरू से एक तार शुरू होती है घूमती भी जाती है ऊपर को भी जाती जाती है तो इस तरह एक साइकिल की सूरत में इंसान लर्न करता है पॉइंट थ्री इज टीचर्स डिजाइन हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्टिविटीज सच एज एक्सपेरिमेंट्स फील्ड ट्रिप्स एंड सिमुलेन टू एंगेज स्टूडेंट्स एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग तो टीचर्स क्या करते हैं यहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में उनके रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्टिविटीज को अरेंज करते हैं उनसे एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं फील्ड ट्रिप्स करवाते हैं सिमुलेशन देते हैं ताकि स्टूडेंट एंगेज हो जाए अपनी लर्निंग को अंडरस्टैंडिंग को डीप करने में एक्सपीरियंशियल लर्निंग आजकल बहुत इन भी है नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल सिस्टम थियोरी इसको देखें पॉइंट वन टीचर्स who adopt an ecological systems perspective consider the influence of various environmental factors on learning including family culture community and society wo kehte hain jaise ye ecosystem hai jo society ki ecosystem hai aur talib ilm us ecosystem ke andar अपने करीबी फैमिली से पहले सीखता है फिर कल्चर से सीखता है फिर कम्युनिटी से सीखता है फिर सोसाइटी से, से सीखता है और सब का कॉम्बिनेशन की वजह से एक इंसान बनता है नंबर टू इज इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी परपोज डेट ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंफ्लुंस बाय इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर इन्वायरमेंट एट मल्टीपल लेवल्स तो जो तालब इलम है वो एक प्रोडक्ट होता है एक फर्द की इंटरेक्शन की यानी उसकी इंटरेक्शन की विद एनवायरमेंट के साथ लेवल पर लेवल क्या है रेंजिंग फ्रॉम इमीडिएट माइक्रो सिस्टम्स छोटे छोटे सिस्टम जो है एक बच्चा है तो उसके बहन भाई भी एक सिस्टम है उसके वालद एक दूसरा सिस्टम बन जाते हैं फैमिली है कल्चर है टू ब्रॉडर माइक्रो सिस्टम यानी दुनिया भर का सिस्टम मुल्क का सिस्टम भी दोनों उसको इन्फ्लुएंस करते हैं यानी बहुत सारी नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सफ़र के दौरान सारे सिस्टम उसको मुतासर करते हैं पॉइंट थ्री इज टीचर्स ट्राइव टू क्रिएट इंक्लूसिव कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम डेट आनर स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटीज तो टीचर्स एक ऐसा इंक्लूसिव कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं जिसमें तालब इलमों के बैकग्राउंड और उनकी आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट किया जाता है ना वी कम टू दास्ट थेरी क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडोगॉग्स बिलीव इन दी पार ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंपावर स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज एंड चैलेंज सिस्टम्स ऑफ अप्रेशन अब ये बड़ी खूबसूरत इस तरह से है कि इससे सोचों पर पड़े हुए पर्दे हटाते हैं आपने देखा होगा कि हजार हजार साल तक तहजीब सोच का एक छोटा सा सफर तय नहीं कर सकती आपने तारीख में बड़ी बड़ी तहजीबों को देखा होगा उनका नॉलेज जो है वो अपडेट होता है वो क्रिटिकली थिंक करते हैं और जो तहजीबें तबाह हो गई उनके इलम पर पर्दे डाल दिए गए अब ये जो इलमी अप्रेशन है उसको खत्म करने के लिए ये जो क्रिटिकल पेडागोजी हमारी हेल्प करती है पॉइंट टू इज सब पॉइंट टू क्रिटिकल पेडोलॉजी एम्स टू कल्टिवेट इनफॉर्म्ड एंगेजड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु आर इक्विप टू एनालाइज एंड चैलेंज सिस्टम्स ऑफ अप्रेशन एंड वर्क टूवर्ड्स ए मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी यानी इसमें क्रिटिकल पेडोगॉजी को कल्टीवेट किया जाता है स्टूडेंट्स के जो माइंड्स के अंदर ताकि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने जो कि एनालिसिस से इक्विप हूं जो सिस्टम के अंदर जो जुल्म कहीं मौजूद है इल्मी जुल्म मौजूद है तो उसको चैलेंज कर सकें और इंसाफ और इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ वो मूव कर सकें इक्विटेबल ये होता है कमजोर का ज्यादा ख्याल रखा जाए ताकतवर का थोड़ा भी रखेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा सब पॉइंट थ्री इज टीचर्स इंक्वर्ज डायलाग अबाउट सोशल इश्यूज टीच मीडिया लिटरेसी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड एडवोकेट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज तो टीचर्स इनकर्ज करते हैं डायलॉग को सोशल इशू पर मीडिया लिटरेसी सिखाते हैं ताकि बात दूसरों तक पहुंचा सकें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं ताकि वो दूसरों को कायल करके सोसाइटी में चेंज ला सकें चेंज पहले इलम में आती है फिर सोसाइटी में आती है तो ये थी हमारी गुफ्तगु जो टीचर्स पर्सनल लर्निंग थियरीज़ पर थी इसमें हमने बात की बिहेवियरिज्म बह, पर कंस्ट्रक्टिविज्म पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर बात की कग्नेटिव थियरी पे बात की ह्यूमनिज्म पे बात की कनेक्टिविज्म हमने देखा एक्सपीरियंशियल लर्निंग डिस्कस की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी हमने डिस्कस की और आखिर में हमने गुफ्तु की क्रिटिकल पैडोलॉजी पर तो बहुत शुक्रिया This is all for this talk. See you in the next talk.